हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन विद अभिषेक सर। होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियोस। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है आपका। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए और घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीखते रहिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोज का लिंक आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जनरली डेली लाइफ सेंटेंसेज यदि आप बोलना सीख जाए तो दिन भर में बोलने वाली इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी, काफी आसान हो जाएगी, और आपको इंग्लिश में आगे सेंटेंसेस कहना भी काफी आसान लगने लगेगा। उसी संबंध में मैं आपके लिए अभी लेकर आया हूं कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम डेली में यूज करते हैं, और मैं एक एक अपने स्टूडेंट से पूछूंगा। इससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि उन्हें कैसे बोलते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने काफी कुछ सीख लिया था, उससे आगे बढ़ रहे हैं। नहाने तक की बात हमने वहां कर ली थी। अब नहाने के बाद जैसे हम कहें कैसे, भाई कपड़े पहन लो, तो हम कैसे कहेंगे? Put on your clothes. जी हाँ दोस्तों, यदि हमें किसी से कहना है कि कपड़े पहन लो, जूते पहन लो, शर्ट पहन लो, पैंट पहन लो, कुछ भी पहनने के लिए बचपन से आपने सीखा था वेयर। वेयर सही नहीं है। जब आप किसी चीज को पहनना स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं put on your sandals. आप पहन रहे हैं, आप कहेंगे I'm putting on my sandals, I'm putting on my pant, I'm putting on my jeans, I'm putting on my shirt, I'm putting on. अब जैसे कि मैंने चश्मा अभी नहीं लगा रखा, तो आप मुझसे कहें सर चश्मा लगा लो, तो आप कहेंगे put on your specs. मैंने पहन लिया, I have put on my glasses. लेकिन मैं यदि इसे लगातार पहनता हूं तो उस केस में हम कहते हैं I wear my specs, I wear my glasses. I'm already wearing glasses. तो ध्यान रखिएगा, put on और wear में जमीन आसमान का अंतर है। यदि आपको ये अंतर समझ में आ गया है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे भी लाइक जरूर करें। यदि आपको पसंद नहीं आया है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो में जो मैंने अभी सिखाया put on और wear का अंतर तो आपको समझ नहीं आया तो आप इसे रिवाइंड करिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, चार बार देखिए, लेकिन इसे तब तक देखिए तब तक कि आप इसे पक्का ना कर लें। तो पहनने के लिए put on भी ठीक है, wear भी ठीक है, दोनों का लेकिन अलग अलग यूज है। अब जैसे हमने कपड़े पहनने की बात तो कर ली, कपड़े पहन लीजिए। अब जनरली हम कहें कि भैया तैयार हो जाओ कपड़े वपड़े पहन के, तो हम उसे हम इंग्लिश में कहते हैं गेट रेडी। गेट रेडी, ज्यादातर लोग उसे गेट रेडी से ही बोलते हैं, जबकि ये गलत है। कपड़े पहनने को हम कहते हैं गेट ड्रेस्ड। गेट ड्रेस्ड दोस्तों, ये अंतर आपको समझना ही चाहिए। तैयार तो आप किसी भी चीज के लिए हो जाते हैं। जैसे आपकी मम्मी आपसे कहती है पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, तो क्या आप कपड़े पहन कर आएंगे? मैं कहूँ आपसे कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ, तो क्या आप कपड़े पहन कर आएंगे? मैं आपसे कहूँ कि खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ, तो क्या आप कपड़े पहन के आएंगे? क्या घर में हर समय लोग नंगे ही घूमते रहते हैं? नहीं, किसी चीज के लिए तैयार हो जाना गेट रेडी, लेकिन कपड़े पहन लेना गेट ड्रेस्ड। ये एक इतना बड़ा अंतर है कि जो लोग समझते ही नहीं। आप यदि नहाने के बाद की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे गेट ड्रेस्ड, लेकिन भाई लंच के लिए तैयार हो जाओ गेट रेडी फॉर लंच। स्कूल के लिए भाई आप कपड़े पहने तो पहले ही घूम रहे हो, लेकिन स्कूल के लिए तैयार हो जाओ गेट रेडी फॉर योर स्कूल। पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ गेट रेडी फॉर योर स्टडीज। जॉब के लिए तैयार हो जाओ गेट रेडी फॉर योर जॉब। तो दोनों तरीके से मतलब अलग अलग है। मुझे उम्मीद है आपको यह अंतर समझ में आ गया होगा। राइट, मैम नाखून काट लो, कट योर नेल्स बहुत ही कॉमन है, आपने पहले से सीखा है, लेकिन इसके लिए अंग्रेज का बच्चा कहता है क्लिप योर नेल्स, क्लिप, और उसे बोलते हैं नेल क्लिपर्स। जो आप यूज करते हैं ना, वो जो यंत्र आता है नेल क्लिपर्स, आप उसे नेल क्लिपर्स कहेंगे, जिसे हम नेल कटर्स कहते हैं। तो डू यू क्लिप योर नेल्स? आई क्लिप माय नेल्स, और यू नो समटाइम्स आई बाइट माय नेल्स। डू यू बाइट योर नेल्स और डू यू क्लिप योर नेल्स? तो ये छोटे छोटे से अंतर हैं जो मैंने पिछले 20 सालों में लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने में करेक्ट किया है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं या हमें कंफ्यूज करती हैं। राइट, अब जैसे जनरली हम कहें भाई टीवी देखो, वॉच द टीवी। जी बिल्कुल सही है, वॉच टीवी।
टीवी आप चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन वॉच टीवी से ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन हमें बचपन से आदत है हर सेंटेंस में द लगा के यूज करते हैं, प्ले द क्रिकेट, गो टू द स्कूल, वॉच द टीवी। वैसे सही सेंटेंस है वॉच टीवी, तो टीवी देखो, टीवी चला दो मैम, टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द टीवी, या टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी, लाइट बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट मैम, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, जी हाँ क्लोज द डोर और शट द डोर, कुंडी लगा दो, बोल्ट द डोर या लेस द डोर, जी हाँ दोस्तों बोल्ट द डोर या लेच द डोर, यदि वो ऐसे ऐसे करके लगेगी तो उसे हम लैच बोलते हैं, उसको कुंडी को भी लैच बोलते हैं और कुंडी लगाने को भी लैच बोलते हैं। खोलना है तो अनलैच द डोर, ऐसे ऐसे करके लगाना है तो उसे बोलेंगे बोल्ट द डोर, और ऐसे करके खोलना है अनबोल्ट द डोर। आई होप यू अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में भी बहुत सारे डेली लाइफ के वो सेंटेंसेस सीख लिए जो आप घर में रोज में बोलते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अभी लाइक कीजिए, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।